हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त अभी। और यार, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो शुरू करें? चलिए फिर। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डिकोशन बनाएंगे। डिकोशन के लिए मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, जिसे हमें गर्म करना है 3 से 4 मिनट के लिए। अगर आप सोच रहे होंगे यार ये डिकोशन क्या होता है, तो डिकोशन का सिंपल भाषा में मतलब है कॉफ़ी का घोल, जिसकी हेल्प से हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। अब हमें ग्लास में 2 बड़े चम्मच चीनी लेनी है। चीनी यहाँ मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, जिससे घुलने में आसानी हो। अब हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। मेरे घर पे ये 2 रुपये वाला सैशे पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान देना है कि डिकोशन बनाने के लिए कॉफ़ी पाउडर हमें उबालना नहीं है पानी में, बस मिक्स करना है। तो लीजिए, डिकोशन बन के तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमें एक बॉटल लेना है, जिसमें हम बड़े ध्यान से डिकोशन डालेंगे। तो डिकोशन डालने के बाद अब हम इसमें 500 ml यानी कि आधा लीटर ठंडा मिल्क डालेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे यार दूध कच्चा होना चाहिए पक्का होना चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बॉटल का ढक्कन लगा लेना है और हमें इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। तो लीजिए, कोल्ड कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें एक ग्लास लेना है। ग्लास में हम थोड़ा सा आइस क्यूब्स डालेंगे। तो अब इस ग्लास में हम अपना बनाया हुआ कोल्ड कॉफ़ी डाल लेंगे। तो लीजिए, हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनके तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी बनी। और हाँ, वीडियो भी लाइक कर दीजिए, क्या पता अगली बार आपको मेरी ज़रूरत पड़े। तो सर्च करने से बेटर रहेगा कि आप लाइक वीडियोस में जाके देख लें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अरे रुके रुके, जा कह रहे यार, अरे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।